अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मुमताज़ बानो व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों आज का व्लॉग है बहुत ही ख़ास। जी हाँ, ये देख रहे हैं जो आपने कपड़े मैंने पहने हुए हैं, ये हैं फैंसी कपड़े। और मेरी बहनें बहुत अरसे से कह रही थी बता दें फैंसी कपड़े कैसे धोए जा सकते हैं, डेलिकेट मोड पे धोए जा सकते हैं कि नहीं। तो फिर जी मैंने अपने इस सूट की दे दी कुर्बानी। और ये क्योंकि मैं पहन चुकी थी 2-3 दफ़ा, तो बस अब मैंने इतना ही पहनना था और मैंने कहा चलें इस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। और ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है, इसमें आपको पता चल जाएगा आपने कौन से काम करने हैं और कौन से नहीं। अगर आपने 1 मिनट की वीडियो भी स्किप कर दी तो फिर आपने बाद में मुझे नहीं कहना कि आप ही ने नहीं बताया। तो दोस्तों ये वाला सूट मैंने सिलेक्ट किया था, ये है स्टोन वाला। आप देख सकते हैं इसके ऊपर स्टोन्स भी लगे हुए हैं और इसके ऊपर मुकेश का काम भी हुआ हुआ है। और फ्रेंड्स मैं बार बार कह रही हूँ आपने एंड तक देखनी है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि कौन से कपड़े आप इसमें धो सकते हैं और कौन से नहीं धो सकते हैं। तो ये वाला जो सूट है, मैंने 2 सूट सिलेक्ट किए थे। पहले मैं ये वाला वॉश करूँगी, इसके बाद मैं दूसरा वॉश करूँगी। दोनों में फ़र्क क्या है मैं बता देती हूँ। देखें, ये तो एक इस पर लगे हुए स्टोन्स, इसके अलावा इसके अंदर लगी हुई है मुकेश। मुकेश आपको पता है ग्लू के साथ चिपकाई जाती है। ये देखें बैक साइड पे हमें जो सिलाई नज़र आ रही है, बकाया सारा पेस्टिंग वाला काम है। तो पेस्टिंग वाला काम जो होता है, आप उसको बाज़ दफ़ा हाथ से भी धोते हैं तो वो निकल जाते हैं। पहले मैंने मशीन में इसको डायरेक्ट डाला और डालते ही फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि नहीं, इसके जो है मुकेश अगर झड़ेगी तो वो मशीन में टप में जो है वो नुकसान दे सकती है। उसके लिए सबसे ज़रूरी जो स्टेप मैंने किया, मैंने उसी के दुपट्टे के अंदर उसको उल्टा करके बांध दिया और एक पोटली बना के मैंने पानी में डाल दी और मशीन को मैंने पॉज करके स्टॉप किया था और दोबारा जो है मैंने इसमें ऐड कर दी। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने सेटिंग कैसी की है। सबसे पहले इसके अंदर सरफ डाल दिया। सबसे ज़रूरी सॉफ्टनर डालना चाहते हैं सॉफ्टनर डाल दें और इसको बंद कर देते हैं इस कैबिन को। और अब हमने इसमें इसकी सेटिंग कैसे करनी है, ऑन किया और उसके बाद देखिए नॉर्मल मोड, एक सिंगल लाइट ऑन हो रही है, हैवी, स्पिन, क्विक और अब जाएगी ये डेलिकेट पे। जब 2 दफ़ा ब्लिंक करती है तो इसका मतलब है कि ये लेफ़्ट साइड पे है, वूल पे, और ये डेलिकेट साइड पे चली गई है। और ये टोटल 40 मिनट्स का टाइम मांग रही है, हमने इसको कम कर लेना है क्योंकि सिंगल कपड़ा है, इसलिए वाटर लेवल इसका कम रखेंगे। और कम कपड़े डालने का मकसद ये है ताकि इसका कलर जो है वो उतर के दूसरे कपड़ों को ना लगे। अब जी इसका वॉश टाइम 12 मिनट्स है, बहुत ज़्यादा है, इसको मैं कम कर लूँगी। 4 to 5 मिनट्स इनफ होता है क्योंकि हम हैंड से भी वॉश करते हैं तो हल्का फुल्का सा ही करते हैं। 5 मिनट्स का मैंने रखा है। रिंस टाइम 2 है, इसको भी मैं 1 कर लूँगी, तो ये 1 पे मैंने रख लिया। इसके अलावा स्पिन टाइम 4 मिनट्स कह रहा है, इसको भी हम कम कर लेते हैं। इसको आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं क्योंकि ये लाइट कपड़े होते हैं तो ज़्यादा स्पिनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। और इसको अब हमने इस तरह से स्टार्ट कर दिया। ये देखिए जी पानी गिरना शुरू हो गया है कि इसमें कपड़े धोए हैं। एक हमने धो रहे हैं स्टोन वाले, दूसरे में धोंगी इसमें कढ़ाई वाले, धागे वाले जो कपड़े होते हैं। तो पोटली बनाने का मकसद यही था कि इसके जो स्टोन्स हैं या जो इसके अंदर मुकेश लगी हुई है वो ना ज़्यादा निकले और मशीन के टब के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं उनमें जा सकती है, इसलिए आपने भी इस चीज़ का ख्याल रखना है। दोस्तों वीडियो मैंने बहुत तेज़ की हुई है इसलिए आपको लग रहा है कि बहुत स्पीड से जो है वो टब चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था, ये स्लो ही चल रहा था। और मैंने सर्फ बहुत कम डाला था क्योंकि ज़रूरत नहीं थी। और ये देखिए हल्का हल्का सा इसमें से गंद भी निकला है और ऑरेंज कलर भी कपड़ों का निकले। कोशिश करें कि थोड़े कपड़े डाल के इनको धोया करें। तो जी जिस तरह होता है उसी तरह से इसने चलना है। और ये देखिए 16 मिनट्स का टाइम है, अभी इसका जो है वो वॉश टाइम चल रहा है और इसका वॉश टाइम ख़त्म होता है। मैंने काफ़ी स्पीड में की है ताकि आप जो है हर स्टेप इसका देख भी लें और ज़रूरी बातें भी जो है मैं आपको साथ साथ समझा सकूँ। तो ये वॉश टाइम मैंने बहुत स्पीडी कर दिया था। अब इसका ये पानी देखिए निकल रहा है और इसका पानी निकल गया। मैंने यहीं पर सोचा कि इसको मैंने रिंस नहीं करना है और मैं इसको यहीं पर निकाल लूँगी। आप चाहें तो आप भी यहीं से जगह पर निकाल सकते हैं। दूसरा ये जो मैंने सिलेक्ट किया था ये वाला धागे का काम था, ये वाली शर्ट मैंने सिलेक्ट की और सारा ये कढ़ाई वाला काम था। उसी तरह से सरफ डाल के उसी तरह से हमने सिलेक्ट किया है। और मैंने सिंगल कपड़ा इसलिए डाला था कि अगर इसका कलर भी निकले तो दूसरे कपड़ों को ना चढ़े। तो वैसे ही मैंने सेटिंग की है। ये देखें जी इसमें जो है वाटर लेवल मैंने 3 रखा है और वॉश टाइम भी इसका मैं 1, 2, 3, 4, 5 मिनट्स इनफ होते हैं। और रिंस टाइम 1 जो है वो इनफ है। स्पिन टाइम भी मैं इसका कम कर दूंगी, 2 मिनट काफ़ी होते हैं क्योंकि नाजुक से कपड़े होते हैं इनके लिए, इसलिए ये बिल्कुल जी हैंड वॉश टाइम इसकी टेक्नोलॉजी है। और ये देखें दूसरी शर्ट जो ये धुल गई थी इसको मैं बाहर लेके आई हूँ। इसकी फ्रेंड्स एक बैड लक हुई है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए इसकी मुकेश जो लगी हुई थी वो सारी उतर गई है, सारी ही उतर गई है। और ज़ाहिर है ये ग्लू से लगी होती है, इसने उतर जाना होता है, इसलिए आप इसको चाहे हैंड से भी वॉश करें तब भी निकल जाती है। लेकिन ये देखें जो स्टोन का काम था, जो धागे का काम था कढ़ाई वाला, वो वो काम नहीं निकला इसका। तो खैर ये सूट तो अभी बेकार हो गया मेरे लिए, या तो इसके ऊपर दोबारा मुकेश लगेगी, अदरवाइज़ ये नहीं यूज़ हो सकता। बहरहाल ये जी एक्सपेरिमेंट था और आप ऐसा ना करें, इसलिए आपके साथ हुआ। और गुड लक ये हुई कि क्योंकि मैंने इसको बांधा हुआ था पोटली में, तो जो मुकेश है वो कपड़ों से बाहर नहीं निकली और मशीन में नहीं गई, तो उसकी बचत हो गई। ये देखिए ग्लू लगी हुई है, ग्लू जो है वो उतर ही जाती है। तो इसलिए जी मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगी कि नेक्स्ट टाइम आप मुकेश के कपड़े जो हैं या ऐसे स्टोन वाले जो निकल सकते हैं तो उनको फिर आपने पोटली में डाल के धोना है। दूसरी तरफ ये मैंने अब दूसरा एक्सपेरिमेंट साथ ही किया ताकि आप लोग देख सकें। ये भी काम वाला सूट था, लेकिन ये था कि ये कढ़ाई है और धागे के साथ, और ये भी मैं फ़र्स्ट टाइम वॉश कर रही हूँ। मैंने 3-4 दफ़ा इसको पहन लिया था, ये देखें, और इसका जो है कलर निकल रहा है। ज़ाहिर है फ़र्स्ट टाइम वॉश हो रहा तो डार्क कलर है कपड़ों का, तो ये शिफॉन होती है, इनका कलर निकलता ही निकलता है। और स्पीडी कर ली थी मैंने ताकि आपको पता चल सके। तो अब इसका पानी निकल रहा है, लेकिन इसको मैंने पूरा प्रोसेस इसके अंदर किया था। स्टोन वाले कपड़ों को मैंने उसके अंदर रेंज और स्पिन नहीं किया था, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं पोटली ना खुल जाए तो उसके अंदर से सारा जो है मुकेश वगैरह वो मशीन में ना फैल जाए। ज़ाहिर है जी अपनी चीज़ है, आपने इसकी एहतियात करनी है। और छोटे छोटे आप देख सकते हैं इसके अंदर सुराख हैं, तो वो मुकेश पता नहीं कहाँ जाती, इसलिए। और फ्रेंड्स आज मैंने जो है कॉल सेंटर कॉल करके टेक्निकल स्टाफ से बात की और बहुत ज़्यादा मैंने डिटेल ली है, बहुत से क्वेश्चन आंसर्स मैंने पता किए हैं। वो साथ साथ मैं आपको वीडियोस में बताती रहा करूँगी, आप भी चाहें तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर करती रहा करूँगी। और अभी ये स्पिन हो रहा है, स्पिन होने के बाद अभी ये रेंस पे चला जाएगा, खुद ही ये सारा काम कर रहा है, मैंने कुछ भी नहीं किया। और रेंस होने के बाद ये देखिए स्पिनिंग टाइम इसका कम्प्लीट हो गया है और ये अब खुद ही रुक जाएगी। और रुक भी जाए तब भी आपने इसको पॉज करना है और उसके बाद आपने ऑफ़ कर देना है। अगर आपकी मशीन करंट देती है तो फिर करंट नहीं देगी, बहुत सी बहनें कह रही थी। और ये देखिए जी ये निकला है इसमें से, और ये बहुत अच्छे से वॉश हुआ है और बहुत अच्छे से साफ़ हुआ है। और हाईली रिकमेंडेड, आप इस तरह के कपड़ों को तो इसमें धो सकते हैं, लेकिन अगर स्टोन्स वाले हैं तो अवॉइड करें, और अगर धोने ही हैं तो फिर आप उसको बोटली में बना के उस तरह से धोइएगा। तो ये देखें ये बाहर मैंने फैला दिया और ये बहुत अच्छे से वॉश हुआ है। आप भी चाहें तो इस तरह से धो सकते हैं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। और इस वीडियो के चक्कर में मेरा एक सूट ख़राब हो गया है, और सिर्फ इसलिए कि आपका ना हो। और मेरी इस सूट के साथ कुछ बहुत हसीन यादें हैं। और रेस्ट इन पीस माय सूट। और मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो बहनों आइंदा से आप भी अपने कपड़े जो हैं वो धो सकते हैं, लेकिन एहतियातें आपने ज़रूर करनी है। होपफुली इन पे कॉपीराइट क्लेम ना आए। और मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।